Hello friends, how are you all? This is CA Nikita Somani with a very new video of Bookkeeping and Accountancy, that is lecture number 3. So in the previous video, we completed with qualitative characteristics of accounting information. That is was reliability, relevance, comparability and understandability. We are moving on to different concept, that is types of transactions. What are the types of transactions now? Chart mein baad mein dekh lenge. Let's study first the theory portion. What it says, suppose there is this person and this person, X, Y, exchange karna kuch, exchanging something between two persons, see, number one, number two, exchanging something between two persons is called as transactions. Then monetary transactions, ye word se kya samajh mein aata hai, monetary, monetary means involving money. So that is called as monetary transactions. अभी देखो यहाँ पे बोला है कि transactions which involves exchange of money or money's worth directly or indirectly called as monetary transactions. और monetary transactions को ही books में record करते हैं. Only monetary transactions are recorded in the books of accounts. देखो वहाँ पे two types of transactions है. कैसे? Let's understand that. Case one. देखो यहाँ पे दो person है, ठीक है? अभी इसने इसको कुछ गुड सेल किया, देर इज समथिंग सोल्ड, बट क्या हुआ, दिस इज अ कैश सेल, दिस पर्सन हैज पेड अ कैश, इसने कैश भर दिया इसका, तो इस ट्रांजेक्शन को क्या बोलेंगे, दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन. केस वन वाला ट्रांजेक्शन इज कैश ट्रांजेक्शन. केस टू, इसमें क्या हुआ, दिस पर्सन सेल किया, सेम सिचुएशन, बट यहां पे ना अभी इसने तुरंत कैश नॉट पेड, कैश इसने नहीं दिया, तो इसको क्या बोलेंगे. नाउ दिस एक्स विल आस्क द नेम, भाई साहब आपका नाम क्या है, पैसे लेने हैं ना वापस, पैसे वापस लेने हैं, नाम तो पता करना ही पड़ेगा, वरना कैसे. अभी ये सेल हो गया, सपोज 200 का सेल किया, अभी 200 रुपए अगर इस पर्सन से लेने हैं तो आस्क हिम द नेम, ये बोलता है मेरा नाम है राहुल, ये बोलता है ओके लेट मी रिकॉर्ड, ये बोलता है दिस पर्सन सेज लेट मी रिकॉर्ड इन टू माई बुक्स, क्या करेगा वो, लिखेगा सोल्ड गुड्स टू राहुल, उसमें कैश का ही वर्ड आया क्या, नो, कैश का वर्ड आएगा, कैश अगर दे दिया तो देखो इस पर देन इसको गुड सेल किए, इसने कैश दे दिया तो इसको नाम भी नहीं पूछा, नो नेम इज नॉट आस्क्ड, क्यों नहीं पूछा, क्योंकि कैश भर दिया ना, कैश से मतलब है, अभी इसने कैश नहीं दिया तो इसका नाम पूछा और उसका नाम क्या है, राहुल, तो इसके एंट्री पास करेंगे राहुल के नाम से, बराबर बुक्स में इसका नाम लिखेंगे. सो देखो यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस में क्या होगा, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, कैश वर्ड आ गया ना, सी कैश, कैश वर्ड आ गया तो ये कैश ट्रांजैक्शन है. उसके बाद नेक्स्ट एंट्री बोला है पेमेंट ऑफ सैलरी, यहाँ पे क्या कैश वर्ड यूज नहीं किया पर पेमेंट बोल दिया, पेमेंट करना मतलब रियल कैश को किसी को देना, और उसने क्या पेमेंट किया है, सैलरी का पेमेंट. अभी देखो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब कैश नहीं दिया अभी उसने, ये देखो यहाँ पे बोलता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज वन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड, अगर वैसा नहीं होता है तो ये देखो यहाँ पे नाम मेंशन किया है, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन, मिस्टर अमन, राइट. उसके बाद नेक्स्ट एंट्री उसमें बोला है सोल्ड मशीनरी टू मिस्टर अमर सिंह ऑन क्रेडिट, इसमें तो क्रेडिट भी डाल दिया, अगर कहीं पे ये वर्ड यूज कर लिया हो ना क्रेडिट तो दिमाग ही नहीं लगाना, अज्यूम दैट इट इज क्रेडिट, बट क्रेडिट अगर करते हैं ना तो नाम जरूर ही जरूर देते हैं, देर इज अ नेम ऑफ अ पर्सन व्हेन समथिंग इज सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्योंकि अगर हमको यहाँ पे हमने देखा ना इन दिस एग्जाम्पल कि अगर हम राहुल को सेल करेंगे, इसने पैसा नहीं दिया तो ये इंसान जो है जो बिजनेस खोलकर बैठा है वो बोलेगा कि प्लीज टेल मी योर नेम, आई वॉन्ट टू राइट योर नेम इन टू माई बुक्स बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि आपसे मुझे कितने पैसे लेने हैं और आप कब दोगे, उसका डेट भी मैं लिखूंगा, बराबर याद नहीं रहेगा ना, देयर विल बी मल्टीपल पीपल, बहुत लोग आएंगे जो कैश नहीं देंगे, फिर किस किस का नाम याद रखे, किसका नाम याद रखे हम, तो दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट सेल्स, जहां पर हमको पैसा नहीं मिलता, बाद में मिलता है पैसा, तो दैट इज कॉल्ड एज, उसमें कैसा पता करेंगे कि ये उसके एग्जाम्पल है, मिस्टर अमर एंड मिस्टर अमर सिंह, देखो यहाँ पे नाम लिखे और यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया है कैश पेमेंट, ओके नाम नहीं दिया है तो समझ लेना इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन. नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स क्या समझ में आता है, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स लिखा है इन्होंने, नो कैश इज इन्वॉल्व,
नो कैश इन्वॉल्व, इसको क्या बोलेंगे फिर? बार्टर ट्रांजैक्शंस। कुछ सुना है क्या बार्टर ट्रांजैक्शंस के बारे में, कि गुड्स के बदले गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स, मतलब ये दो लोग हैं, देखो दिस पर्सन रिक्वायर्स टीवी, दिस पर्सन रिक्वायर्स फ्रिज। अब क्या करेंगे, बोलेंगे देखो एक काम करते हैं, अपन एक्सचेंज कर लेते हैं, टीवी फ्रिज का एक्सचेंज कर लेते हैं। सो ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन डिस्कस किया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन डिस्कस किया, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में बार्टर ट्रांजैक्शंस, राइट? सो दिस इज कवर्ड हियर। अभी नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट कवर्ड, कि एंट्री को कैसे पास करेंगे, राइट? एंट्री, एंट्री क्या करेंगे, एंट्री का क्या रहेगा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन प्रॉपर फॉर्म एंड मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एज एंट्री। उसका रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री का, एंट्री रिकॉर्ड कर रही, फिर उसका नरेशन, समथिंग कॉल्ड एज नरेशन। नरेशन क्यों देते हैं, देखो टू ब्रीफली एक्सप्लेन द बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक्सप्लेन कर देंगे उसका कि क्यों खर्चा किया है। सपोज देयर इज सम एक्सपेंस फॉर, एक्सपेंस हुआ है, सपोज देखो सैलरी का एक्सपेंस हुआ है, रेंट का एक्सपेंस हुआ है ना, रेंट का एक्सपेंस हुआ है, फिर कुछ गुड्स खरीदे हैं, फिर गुड्स कुछ सेल किया है, कुछ सेल किया है, राइट? तो इतने सारे जब ये ट्रांजैक्शंस होते हैं तो इसका क्या करते हैं फिर, नरेशन। नरेशन में क्या पता चलता है, बीइंग सैलरी पेड, बीइंग रेंट पेड, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग सोल्ड सेल टू समबडी, ऐसा ट्रांजैक्शंस को हम लिखेंगे, उसको क्या बोलते हैं, नरेशन। ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे ट्रांजैक्शन, सो स्टार्ट करेंगे उसका सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम बीइंग और फॉर, बीइंग रेंट पेड, बीइंग सैलरी पेड, है ना। अब गुड्स किसको बोलेंगे, व्हाट इज कॉल्ड एज गुड्स, गुड्स मतलब ऐसा है क्या कुछ भी किसी को भी गुड्स बोलेंगे, नो जिसका बिजनेस करते हैं उसी को गुड्स बोलेंगे। एग्जाम्पल इसमें देखो बोला है, जैसे क्या रहता है, गुड्स मतलब मर्चेंडाइज, कमोडिटीज, आर्टिकल्स, थिंग्स, जिसका भी जो बिजनेस करता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे उन्होंने बोला है मेडिकल, जिसका केमिस्ट है उसके लिए गुड्स क्या रहेंगे, मेडिसिंस, मेडिसिंस आर गुड्स फॉर केमिस्ट। फिर वेजिटेबल वेंडर के लिए, उसके लिए गुड्स क्या रहेंगे, वेजिटेबल्स, उसके लिए गुड्स रहेंगे। देन उसके बाद में आज ऑटो, हीरो मोटर्स, ये लोग जो है इनके लिए गुड्स क्या है, व्हाट इज द गुड्स फॉर देम, पार्ट्स लाइक टायर्स, इंजन गियर बॉक्स, केबल्स प्रोड्यूस्ड बाय सच व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, जैसे बजाज ऑटो और हीरो मोटर्स के लिए गुड्स क्या रहेंगे, ये सब चीजें रहेगी, टायर्स, केबल्स, ये जो भी गाड़ी के पार्ट्स रहेंगे, दिस इज द गुड्स फॉर देम। पर क्या होती है, यहाँ पर सारी लायबिलिटीज लिखते हैं, यहाँ पर पूरी लायबिलिटीज लिखते हैं, यहाँ पर सारे असेट्स लिखते हैं, राइट? तो यहाँ पर पूरा असेट्स लिखेंगे, ऑल असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, है ना, स्टॉक, एवरीथिंग, कैश, बैंक बैलेंस, ये पूरा लिखेंगे। और यहाँ पर दो चीज़ें आएगी, दिस विल बी कैपिटल एंड ऑल अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज मतलब क्या, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, है ना, क्रेडिटर्स, उसके बाद बिल्स पेबल, ब्ला ब्ला, और भी सारी चीज़ें, राइट? तो कैपिटल किसको बोलते हैं, जो ओनर लेकर आता है, इन्वेस्टेड बाय ओनर। हमारा बिजनेस होता है उसको स्टार्ट करने के लिए वी नीड सम कैपिटल, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ऑल द आउटसाइड लाइबिलिटीज, जो हमको बाहर वालों को पे करना है, बैंक लोन उनको पे करना है, बिल्स पेएबल बाहर वालों को पे करना है, क्रेडिटर्स बाहर वाले रहेंगे उनको पे करना है, और ये क्या रहेंगे सारे, ये मेरे असेट्स है, ये मेरे बिजनेस को चलाने के लिए असेट्स है। तो इसका फॉर्मूला कैसे काम करेगा, ये देखो, दिस पोर्शन मतलब व्हाट, ऑल असेट्स माइनस ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज, उसको माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा कैपिटल, ये कैपिटल जो रहेगा ना, ये बैलेंसिंग शीट, राइट? तो और ये दोनों चीजें क्या होती है, ये मैच होता है, यहाँ का फिगर मैच होता है बैलेंस शीट का, राइट? तो देखो डिस्कस्ड है, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर, जिसने बिजनेस शुरू किया है वो जो अपना कैपिटल डालता है, वो जो पैसा अपना इन्वेस्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। और कैपिटल का फॉर्मूला अभी हमने देखा, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज, ये वाली लाइबिलिटीज कौन सी रहेगी, आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल।
हमने लाइबिलिटी क्यों बोला है, वाई इट इज कॉल्ड एज अ लाइबिलिटी. तो देखो बिजनेस, देर आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट. ये ओनर है और ये इसका खड़ा किया हुआ बिजनेस है, जो भी बिजनेस ये करता हो, ये इसका कैपिटल इसमें डालता है. तो ये ऐसे ही बोलेगा क्या, रख लो अब मेरा कैपिटल? नो, ये बिजनेस कौन है, इसको इसका कैपिटल विथ प्रॉफिट देना पड़ेगा. इसलिए क्या है, लाइबिलिटी है, पेएबल है ना, वापस बिजनेस को देना है ओनर को. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी. दैट इज द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब बिजनेस एंटरप्राइज को ये अमाउंट पेएबल है टू द ओनर एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस. जब भी बिजनेस को बंद करेंगे तो ओनर अपना पैसा लिए बिना जाएगा क्या? नो, बिजनेस में जो भी अपना पैसा है वापस घर लेकर जाएगा. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी. और इसका फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, ऑल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज इज कॉल्ड एज माई कैपिटल. हमने इसका कॉन्सेप्ट अभी देखा. सब ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स मतलब क्या होते हैं, ये अपना ड्रॉइंग पेंटिंग वाला ड्रॉइंग नहीं है. दिस ड्रॉइंग इज कॉल्ड एज, यू नो, जो ओनर रहता है बिजनेस का, वो अपने पर्सनल यूज के लिए ये ड्रॉइंग्स करता है. पर्सनल यूज मतलब क्या, ये देखो ऑपरेटर है जिसने बिजनेस शुरू किया है, वो अपने बेटे की फीस भरने के लिए ड्रॉइंग्स कर रहा है. पर्सनल एक्सपेंस, पेज द मेडिकल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंस, मोबाइल बिल्स एक्सेट्रा, कोई भी पर्सनल खर्चा अगर बिजनेस से होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स. जब बैलेंस शीट बनती है तो कैपिटल में से ड्रॉइंग्स को लेस किया जाता है, राइट? अब ये और भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है. डेटर्स क्रेडिटर्स, इजी कॉन्सेप्ट है एकदम. डेटर क्रेडिटर कौन रहेगा, क्रेडिट पे सेल परचेस करेंगे. ये देखो बिजनेस मैन सेल किया टू दिस पर्सन, ही सोल्ड सम गुड्स, बट इसने पैसे दिए क्या, कैश दी क्या? नो. देन ही इज कॉल्ड माई डेटर. ये मेरा रहेगा असेट, इसे पैसा रिसीवेबल है और परचेस किया. गुड्स बेचने के लिए किसी से परचेस भी करना पड़ेगा ना, तो ये जो परचेस किया पर इसको कैश पे नहीं किया, देन इसको बोलते हैं क्रेडिटर. और ये हमारी बनती है लाइबिलिटी. दिस इज माई लाइबिलिटी, दिस इज माई असेट. कौन सी? करंट. ये करंट लाइबिलिटी, राइट? यहाँ पे डेटर मतलब कौन, हु हैज टू पे टू द बिजनेस. मतलब देखो इस पर्सन को ना इसको पे करना है. दैट इज वाई ही इज कॉल्ड एज डेटर. डेटर इज अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस, मतलब उसको बिजनेस को वापिस देना है पैसे. और क्रेडिटर कौन रहेगा, हु इज द क्रेडिटर? बिजनेस हैज टू पे फॉर गेटिंग द गुड्स. परचेस कर रहा है ना, वो परचेस किया, पेमेंट नहीं किया, और अभी जब फ्यूचर में पेमेंट करने वाला है, अभी कैश गया क्या? नो. तो उसके लाइबिलिटी में लिख के रखेगा कि मुझे इतना अमाउंट पेएबल है, राइट? तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर. ए क्रेडिटर इज अ पर्सन टू होम बिजनेस ओज मनी, मतलब बिजनेस ओ करता है अभी वो पर्सन को, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिटर. फिर वॉट इज कॉल्ड एज बैड डेट्स. बैड डेट क्या रहते हैं? इररिकवरेबल अमाउंट. ये डेटर है ना, ये डेटर, इसने बोल दिया मैं नहीं दूंगा पैसे, मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है देने के लिए. फिर वो क्या हो गया? बैड डेट्स, पैसे नहीं मिलने वाले, इररिकवरेबल अमाउंट. सेल जब हम क्रेडिट पे करते हैं तो इसमें रिस्क भी है, बराबर? क्योंकि कोई भी कल को उठ के बोल सकता है आई डोंट हैव मनी. इररिकवरेबल अमाउंट, दैट इज कॉल्ड एज बैड डेट्स. दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स. उसके बाद डेटर्स क्रेडिटर्स. उसके बाद देर इज अ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर. कौन से तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं? देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, कोई बिजनेस करता है, दिस पर्सन इज डूइंग सम बिजनेस, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसने ओपन किया है, बराबर? तो इसको क्या लगेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फिक्स्ड एसेट्स लगेंगे. ही विल रिक्वायर फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स मतलब क्या, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर है ना, मशीनरी लगेगी, फर्नीचर लगेगा, बिल्डिंग लगेगा. बिजनेस कहाँ करेगा? बिल्डिंग लगेगा. इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर. बैलेंस शीट में दिखती है ये चीजें, तो इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट. इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखते, इसको हम कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में. क्यों बैलेंस शीट में लिखा जाता है इन एक्सपेंस को? क्योंकि इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है. क्या बोला मैंने? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. मतलब क्या,
इस प्लांट एंड मशीनरी का मुझे एक साल ही नहीं है बेनिफिट, इसका मुझे सालों साल बेनिफिट रहेगा। जितने भी साल इसका जो लाइफ रहेगा, सपोज 10 ईयर्स है, फर्नीचर मुझे बहुत सालों तक काम आएगा, बिल्डिंग मुझे बहुत सालों तक काम आएगी, इसका मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ पे बोला है वो, इट गिव्स अ बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज अ नॉन रिकरिंग इन नेचर। बार 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 थोड़ी हम हर साल मशीन 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 में एक्सपेंस करते हैं। नो, इट इज डन वंस 10 ईयर्स, वंस 15 ईयर्स, है ना। बहुत अच्छा, तुम मशीनरी खरीदो तो देखो एग्जाम्पल में बोला है परचेज ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ कंप्यूटर, बराबर। दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। वॉट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का देर इज नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड। इमीडिएट खर्चा आई है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट एकदम। कैसा? देखो रेंट पे किया, एक महीने का रेंट पे किया, एक महीने का तुमको बिल्डिंग रेंट पे मिलेगा, उसके बाद वापस से रेंट भरना पड़ेगा। और ये क्या होता है? रिकरिंग एक्सपेंस बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? रिकरिंग एक्सपेंस। सैलरी पेड, है ना, जो भी एम्प्लॉयज काम करेंगे उनको सैलरी वक्त पर देना पड़ेगा, हर महीने देना पड़ेगा, वेजेस देने पड़ेंगे। जो भी लोडिंग अनलोडिंग ट्रक में अगर कुछ गुड्स को लोड करना है उनको वेजेस देने पड़ेंगे, तो वेजेस तो हर दिन देने पड़ते हैं। तो दिस इज यू नो इट इज लेस देन 1 ईयर, हमेशा ये लेस देन 1 ईयर के लिए रहेंगे। इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग में क्यों जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कुछ रहेगा, बराबर, बिजनेस के रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ रहेगा तो उसको बोलते हैं, उसका खर्चा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर ये कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट में जाएगा। रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बहुत अलग टाइप का एक्सपेंडिचर है। क्या बोलते हैं इसको? न्यू नेचर का है, है ना। रेवेन्यू नेचर मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ये एक्सपेंस नहीं चलता है। बट बेनिफिट इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर, मे बी 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का एक्सपेंस एक साथ कर देते हैं, उसको बोलते हैं डेफर्ड। डेफर्ड का ही मतलब होता है कि यू नो 2-3 साल में एक्सपेंस एक साथ पे कर देंगे, बट इसका जो हमको बेनिफिट मिलेगा वो थोड़े टाइम के लिए मिलेगा, जैसे 2 साल, 3 साल, इतने टाइम पीरियड के लिए हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए वो क्या बोलते हैं? सपोज इन्होंने एडवर्टाइजिंग पे खर्चा किया है, है ना, एक बार एडवर्टाइजमेंट कर दो तो 2-3 साल तक तुम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करने वाले हो, तो 2-3 साल तक और एडवर्टाइजमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। बट 2-3 साल तक तो वो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस एक बार कर दिया ना, तो उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका क्या होता है? दो जगह जाता है। अमाउंट रिटर्न ऑफ, देखो अमाउंट रिटर्न ऑफ इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। 3000 फॉर 3 ईयर्स, तो देखो 1 ईयर के लिए कितना होगा? फिर 1000। तो ये जो प्रोपोर्शनेट 1000 है इसको P&L में डालेंगे, और ये जो 2000 रुपये बचा हुआ है 3000 - 1000, इसको बैलेंस शीट में असेट साइड में डालेंगे। सी, अनरिटर्न अमाउंट इज शोन ऑन द असेट साइड, स्टिल अनएग्जॉस्टेड अमाउंट है, उसको क्या बोलते हैं? अनएग्जॉस्टेड अमाउंट, इसीलिए उसको नाम दिया है डेफर्ड। लीगल एक्सपेंस हर बार थोड़ी होंगे, आपको हर साल थोड़ी बेयर करने हैं। सपोज 3 साल कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो 3 साल का फीस एक ही बार लॉयर को दे दिया, पर 3 साल तक दिया है उसको, दैट इज कॉल्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिंग। देखो बिजनेस चलाना है तो डिस्काउंट तो सबसे बड़ी चीज़ है, कोई ना कोई डिस्काउंट तो देना ही पड़ता है आपको। सीधा नॉर्मल कोई भी खरीदने आया गुड्स, आप अगर बोलते हो ना ये 2000 रुपया का है, दिस इज ऑफ 2000, वो बोलता है कुछ डिस्काउंट 1500 में दोगे क्या? हमारी भी हैबिट रहता है ना, हम बोलते हैं, हम तो सीधा बोलते हैं 200 में, फिर उसको धीरे 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 बढ़ता है अमाउंट, फिर उसको हम 700 पे मान लेते हैं, और बहुत सारे क्वांटिटी में लेकर जा रहे हैं, उसको हंड्रेड्स ऑफ पीस चाहिए तो कुछ तो डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, कौन से है? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या? ये बिल पे ही लिखा जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल में क्या बोला है कि 1000 रुपये का गुड्स है, 1000 रुपीज़ का गुड्स है, 5% का उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया, सभी को मिलता है ये, एवरी पर्सन वुड गेट दिस। अब 5% का अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया तो वो पर्सन फिर कितना देगा? सिर्फ 950 रुपीज़। अच्छा, अब सेल कितने का हुआ? 1000 का हुआ क्या? नो, सेल तो हमारा कितने का हुआ? सिर्फ 950 का, 950 का ही सेल हुआ। तो ट्रेड डिस्काउंट को डिफरेंस क्या है कैश और ट्रेड डिस्काउंट में? ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में अपीयर नहीं होता सेपरेटली, ये बिल पे दिखता है। जो बिल बनता है ना, सेल माइनस डिस्काउंट, सेल माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 950 ही, हम 950 का ही एंट्री रिकॉर्ड किया जाता है, नो एंट्री ऑफ 1000। और कैश डिस्काउंट मतलब क्या?
कैश डिस्काउंट वो होता है जो 950 पे और कैश डिस्काउंट देते हैं। सपोज 1000 का गुड्स था, 950 ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया, फिर ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफ 50 रुपीज, है ना। और कैश डिस्काउंट अगर देना है तो और 50 रुपया का कैश डिस्काउंट देंगे। तो अभी गुड्स हमने कितने में सेल किया, 900। कैश डिस्काउंट हर किसी को नहीं दिया जाता, कैश डिस्काउंट हर किसी को नहीं दिया जाता, इट इज फॉर द पीपल, जो इज अ कंसेशन गिवन फॉर एनकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, राइट। कि हमने किसी इंसान को, सपोज दिस पर्सन सेज मैं 10 दिन बाद पेमेंट करूंगा आफ्टर 10 डेज, बट ये 2 दिन में ही आ गया, 2 डेज में ही आ गया, टेक योर मनी, कैश लेके आ गया, तो इसको बोलेंगे वाह वाह वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस, यू पेड अस द मनी इन 2 डेज, देखो आप 50 रुपये और डिस्काउंट ले लो, दैट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। एंड कैश डिस्काउंट कैसे मिलता है, आइदर फॉर स्पॉट पेमेंट और फॉर पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। 10 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो आप लोगों को कैश डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट अपियर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो दोनों में फर्क क्या है, ट्रेड डिस्काउंट डजंट अपियर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ट्रेड डिस्काउंट हर किसी को मिलता है, कैश डिस्काउंट कंसेशनल डिस्काउंट है, ये सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो एक तो प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देंगे या कुछ अच्छा क्वांटिटी में लेकर जाएंगे बहुत सारा, या पेमेंट विद इन टाइम पीरियड कर देंगे, उनको हम कैश डिस्काउंट देंगे, एंड दिस अपियर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। न्यू कॉन्सेप्ट, सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट, क्या मतलब होता है सॉल्वेंट का और इनसॉल्वेंट का। सॉल्वेंट आदमी वो होता है, सॉल्वेंट आदमी जो होता है वो होता है जो जिसके जो असेट्स है वो ज्यादा है उसके लाइबिलिटीज से, असेट्स ज्यादा है उसकी लाइबिलिटीज से और वो लोगों के पैसे दे सकता है, है ना। ये जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से उसने पैसे लेकर रखे है उसको ये पैसे दे सकता है, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, जिसकी असेट्स ज्यादा होती है। सी यहाँ पे, इफ अ पर्सन असेट्स इज मोर देन लाइबिलिटीज और इक्वल टू हिज लाइबिलिटीज देन ही इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट पर्सन। देखो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बोला है कि टोटल असेट्स उसकी है 50 लाख और डेट्स कितनी है उसकी, पेमेंट कितना करना है बाहर के लोगों को, 30 लाख, तो उसकी पोजिशन इज साउंड, हिज पोजिशन इज साउंड, मतलब अभी भी उसके पास पे है, मतलब उसको बोलते हैं ही इज एबल टू पे ऑफ हिज डेट्स, इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, मतलब उसके असेट्स ज्यादा है उसकी लाइबिलिटीज से। अच्छा अभी व्हाट इज इनसॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट मतलब उसकी लाइबिलिटीज ज्यादा है उसके असेट्स से, मतलब उसको बाहर वालों को देना ज्यादा है और उसके असेट्स कम है, तो वो घर पे आ जाएंगे, आपके घर को हम नीलाम कर देंगे, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज इनसॉल्वेंट, कि उसका घर भी नीलाम हो गया। देखो यहाँ पर बोला है कि उसकी जो असेट्स है वो 20 लाख ही है और उसको बाहर वालों को देना कितने हैं, बाहर वालों को देने कितने हैं 50 लाख, 30 लाख रुपए कम है, उसके घर पे आ जाएंगे, आपका घर भेज दो अभी, बराबर। उसको क्या बोलते हैं, इट इज ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू गेट एनी अमाउंट फ्रॉम एनी सोर्सेज, अब उसके पास कुछ नहीं बचा, उसको क्या बोलते हैं इनसॉल्वेंट पर्सन, ही इज डिक्लेयर्ड एज इनसॉल्वेंट पर्सन। अकाउंटिंग ईयर इट इज फॉर 12 मंथ्स, ठीक है, एक तो कैलेंडर ईयर रहेगा नहीं तो फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। बिजनेसमैन का ये फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं इसको, फ्रॉम इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च, और कैलेंडर ईयर क्या रहता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम न्यू ईयर 1 जनवरी। आई नो कि नहीं करते ये, बट यू शुड डू। ये क्या बोलते हैं, कुछ कलेक्ट सम एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड डिस्काउंट एंड स्टिक इट इन टू योर नोटबुक्स, है ना, कुछ गूगल करो एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू डिस्काउंट, ट्रेडिंग कंसर्न नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ट्रेडिंग मतलब क्या, ट्रेडिंग मतलब इट्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट, मैं कुछ बेचूंगी तो मेरा मोटिव रहेगा टू अर्न प्रॉफिट, और नॉन प्रॉफिट कंसर्न मतलब उसका मोटिव ये नहीं है कि हम प्रॉफिट कमाएं, उसका मोटिव ये है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दें, जैसे होता है ना स्कूल्स, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स होती है, हॉस्पिटल्स होते हैं या स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, इनका सर्विस क्या है, इनका ये मोटिव रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी सर्विस दें, राइट, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटल में ठीक करें, तो इनका मोटिव ये नहीं होता कि पैसे लेकर प्रॉफिट कमाएं। गुडविल, व्हाट इज कॉल्ड एज गुडविल, गुडविल कैसे डेवलप होता है, देखो दिस पर्सन, उसका बिजनेस, उसका शॉप है ये, बराबर, ये नया बिजनेस है, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है,
न्यू बिजनेस इज बीइंग स्टार्टेड। कहां पर शुरू किया है? पाटनी चौक, एकदम मेन स्पॉट एरिया है ना, कोई भी आता जाता इंसान वहां पर दिख ही जाएगा। पाटनी चौक वाशिम मेन एरिया है वो, है ना। तो पाटनी चौक लोकेशन, लोकेशन इंपॉर्टेंट है गुडविल में। फिर उसके बाद नाम, इसका नाम, इस उसका जो गुड्स है या जो वो सर्विस देता है वो बहुत ही अच्छा है, गुड्स या सर्विस जो देता है वो बहुत ही अच्छा है, तो उसका गुडविल अपने आप बनेगा। जो बाहर के लोग खरीदेंगे ना, ये बोलेगा अरे बहुत अच्छा गुड्स है, फिर ये बोलेगा किसी और को बहुत अच्छा है, फिर ये बोलेगा किसी और को बहुत अच्छा है, फिर ये बोलेगा किसी और को बहुत अच्छा है, तो ये इससे क्या बिल्ड होती है? गुडविल। फिर ये लोग पूछेंगे ना शॉप कहाँ है, तो बोलते पाटनी चौक, वाओ जगह भी बहुत अच्छी है, लोकेशन। गुडविल दिखती नहीं है, किसी की तारीफ करना, ये कोई आइटम है क्या, ऐसा दिखता है क्या? नो, दिस इज कॉल्ड एज गुडविल। बट तो गुडविल को उन्होंने डिस्क्राइब कैसे किया, इट इज कॉल्ड एज इनटैंजिबल, उसको इनटैंजिबल एट्रीब्यूट से, मतलब वो दिखाई तो नहीं देती पर होती है। कैसे होती है, कैसे होती है? देखो, फेवरेबल लोकेशन पाटनी चौक, एबिलिटी एंड स्किलफुल एम्प्लॉयज, बहुत अच्छे लोग वहाँ काम करते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ इट्स गुड्स और प्रोडक्ट और सर्विसेज और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मतलब अगर कोई गुड्स खरीदा और ये खराब हो गया तो इंस्टेंट रिपेयरमेंट मिल जाए, रिपेयर करके मिल जाएगा विद इन 1 आवर आपके घर पे, ठीक करके वो प्रोडक्ट आ जाएगा। आप क्या बोलते हो, अरे वहाँ से खरीदो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, और पाटनी चौक में है, लोकेशन इज ऑल्सो वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं फिर? गुडविल। अच्छा, और गुडविल का दूसरा मतलब क्या होता है? गुडविल का दूसरा मतलब क्या होता है? यही इंसान, दिस पर्सन हु हैव स्टार्टेड द बिजनेस, अगर ये बैंक में पैसा रखेगा तो ही वुड अर्न 1,000 रुपीज, पर अगर बिजनेस करेगा तो ही वुड अर्न 5,000 रुपीज। तो ये जो 4,000 एक्स्ट्रा का कमाया, इसको बोलते हैं गुडविल, गुडविल का अमाउंट। ये देखो बोलता है वो यहाँ पे, व्हाट इट सेज, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी और अ नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नॉर्मल रिटर्न इज 1,000, बट उसका सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी क्या है, वो 5,000 कमा सकता है बिजनेस से, 4,000 एक्स्ट्रा। वो 4,000 एक्स्ट्रा क्या है? उसकी गुडविल का अमाउंट है। वो कैसे आएगा? बिना कस्टमर्स के आएगा क्या? नो। कस्टमर्स कैसे जुड़ेंगे? तारीफ से। आप भी थोड़ी मेरी तारीफ कर देना यार, मेरी भी गुडविल बढ़ जाएगी, है ना। सो जस्ट फॉर जोक, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ रिकमेंड माय वीडियो, ओके। सो सून द बैच विल ऑल्सो स्टार्ट, सो प्लीज़ आस्क योर फ्रेंड्स टू रेफर दिस लेक्चर्स एंड देन ओनली ज्वाइन माय क्लास। तो यहाँ पे गुडविल का मतलब क्या बोला है? रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इसका मनी मेजरमेंट अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वैल्यू होगा, बराबर। अभी जैसे बताया ना हमने 4,000 गुडविल का वैल्यू है ना, मॉनिटरी टर्म्स में उसको मेजर करना। और ये कौन सी असेट होती है? दिस इज इनटैंजिबल असेट, जो नॉट विजिबल या जिसको टच नहीं कर सकते, जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, उसका रेप्यूटेशन, उसकी लोकेशन, उसका नाम, उसका फलाना ढिमका, उसका गुड्स अच्छा है, उसका ये अच्छाई करना किसी की, उसको बोलते हैं गुडविल। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस से ऊपर प्राइस पे बेचना, इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। सिंपल सी बात, गुड्स सेल किया 50,000 का, एक्सपेंसेस हुए 30,000 के, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 20,000 रुपए का, सिंपल। लॉस उसका अपोजिट, कॉस्ट ज्यादा, सेलिंग प्राइस कम। ये देखो 50,000 में बेचा, 60,000 में खरीदा, लॉस कितने का हो गया? 10,000 का लॉस हो गया, बराबर। 60 - 50,000। इनकम मतलब क्या? इनकम और रेवेन्यू का मतलब अलग है। इनकम मतलब क्या? आपको इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, कमीशन मिला, इसको बोलते हैं इनकम हुआ। और रेवेन्यू उसको बोलते हैं जो हमारे गुड्स और सर्विसेज को सेल कर जो पैसा कस्टमर से हमको मिलता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। बिजनेस के पैसे को बोलेंगे रेवेन्यू। नाउ व्हाट इज असेट्स, लाइबिलिटीज एंड नेट वर्थ। असेट्स क्या है? सिंपल मीनिंग, असेट्स किसको बोलेंगे? लैंड, गुडविल, पेटेंट्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, प्लांट एंड मशीनरी, जिसका बोला ना हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऊपर भी डिस्कस किया था प्लांट एंड मशीनरी, और ये सारे भी गुडविल, पेटेंट, कंप्यूटर्स, ये सारे हमारे असेट्स ही है। पेटेंट, लोगो का खर्चा, पेटेंट का खर्चा, कॉपीराइट का खर्चा, ये जो भी है हमारे, ये क्या है? असेट्स ही है। ये दिखते नहीं है पर असेट्स ही है, राइट। तो ये तो एग्जाम्पल दिया है, लैंड वगैरह वगैरह। अच्छा, कौन कौन सी असेट्स है? फिक्स्ड असेट, करंट असेट, फिक्टिशियस असेट,
फिक्स्ड असेट मतलब क्या, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी गुडविल जो लंबे समय तक चलेगी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। करंट असेट्स ऑपरेटिंग ईयर एक साल के लिए। अभी करंट असेट्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे, डेटर्स जिन्होंने उधारी पे गुड्स लिए हैं, बिल्स रिसीवेबल, हमारा कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, स्टॉक, इसको क्या बोलते हैं करंट असेट। स्टॉक तो बिकता जाएगा आता जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं करंट असेट। फिक्टिशियस असेट ये क्या है, थोड़ा अलग है, इसका कोई टेंजिबल पोजिशन नहीं होता। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बोला है इन्होंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया है 4 साल के लिए। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किया है 4 साल के लिए, मुझे बताओ ये एडवर्टाइजमेंट का जो 4 साल के लिए एक्सपेंस किया है, आप तो एक ही साल का P&L में डालोगे, बचा हुआ कहाँ डालोगे, बैलेंस शीट में। इसलिए उसको बोलते हैं फिक्टिशियस असेट्स, उसको क्या बोलेंगे फिक्टिशियस असेट्स। ऊपर भी हमने पढ़ा था, ये यहाँ पर पढ़ा था ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या है एक्सपेंडिचर है। यहाँ पर भी हमने बोला था एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा, लीगल एक्सपेंस पे खर्चा, तो इसको हमने देखो ये 3,000 है, फिर इसको 1,000 रुपया P&L में डाला और 2,000 रुपया बैलेंस शीट में डाला। तो उसी तरीके से एग्जाम्पल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पर भी बोल दिया उन्होंने, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमने अभी डिस्कस किया। अच्छा, व्हाट इज लाइबिलिटीज, सिंपल जो बाहर वालों को देना है, जैसे बैंक लोन, जैसे लोन टेकन, बैंक से लोन लिया है वापस देना है, क्रेडिटर्स उधारी पर माल खरीदा है उनको भी पेमेंट करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी इनको बैंक वालों को पे करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये हम जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, व्हाट आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, कौन सी लाइबिलिटीज होती है, फिक्स्ड एंड करंट। जैसे असेट्स में देखा ना फिक्स्ड असेट्स करंट असेट्स, वैसे फिक्स्ड लाइबिलिटीज कौन सी होती है, ये देखो कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक से जो लिया है ना 2-3 साल बाद पे करेंगे, 5 साल बाद पे करेंगे, उसको बोलते हैं फिक्स्ड लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी मतलब क्या, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पेएबल विद इन ईयर। मतलब कैसे, एग्जाम्पल दे, क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल, इनको ना विद इन 1 ईयर पे करना है, 2 महीने में 3 महीने में वो लोग आ जाएंगे मांगने पैसे, तो उनको उनके पैसे देने हैं। और ये किसके लिए होते हैं, फॉर करंट ऑपरेशंस, रेगुलर करंट ऑपरेशंस के लिए। नेट वर्थ, ओनर्स इक्विटी और कैपिटल, इसका फॉर्मूला हमने देखा, टोटल असेट्स क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, ये हमने जो ऊपर पढ़ा था ना वही है कि सारे असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज करेंगे तो हमको मिलेगा कैपिटल, दैट इज कॉल्ड एज ओनर्स इक्विटी, ओनर का फंड। ये सेम चीज यहाँ पर डिस्कस की है, देखो फंड्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर इज कॉल्ड एज कैपिटल इज ऑल्सो, और अगर हमारे जो असेट्स है वो लाइबिलिटीज से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं एक तो कैपिटल, नहीं तो नेट वर्थ, उसको बोलते हैं नेट वर्थ। पे डिफरेंट एग्जांपल दिए हैं, हमारे टोटल असेट्स है 6 लाख, हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी है 2 लाख, तो हमारा कैपिटल कितना बन गया 4 लाख। इसको अगर इसमें डालकर देखेंगे तो यहां पर जो टोटल असेट्स है, असेट्स कितनी है 6 लाख। यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो कैपिटल और लाइबिलिटीज़, तो लाइबिलिटीज़ कितनी दी है 2 लाख, तो निकालो फिर बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा कैपिटल का 4 लाख। और भी एग्जांपल्स दिए है, प्लीज सॉल्व इट। लास्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में ना उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS भी डिस्कस किए हैं, बट वो जो चीज़ें दी हुई है वो बहुत ही शॉर्ट में दी हुई है। आई थिंक दोज थिंग्स आर टू बी लर्नड इन डिटेल, और अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गॉन, दे आर नॉट यूज नाउ। अभी क्या काम में आते हैं हमारे इंडेस, तो अभी आपके सिलेबस में है ही नहीं, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन यू जॉइन माय क्लास। तो अभी दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज। देखो अभी तक लाइबिलिटी तो हमने बहुत सुना है ना, इधर लाइबिलिटीज लिखते हैं, इधर हम लोग लाइबिलिटीज लिखते हैं, बराबर यहां टर्म लोन, बैंक लोन, बैंक ओडी, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ये सब हम लोग लाइबिलिटीज में लिखते हैं। ये जो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है क्या होती है, फिर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, ये व्हाट इज दिस कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, जो फिक्स नहीं है। अभी देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इट इज नॉट कन्फर्म्ड और परफेक्ट लाइबिलिटी, अभी तो कन्फर्म नहीं है, ऐसा हो सकता है कि मुझे ये अमाउंट पे करना पड़े। एग्जाम्पल वो ये बोलते हैं कि कोई आपके फैक्ट्री का वर्कर है, सपोज बोलता है कि देखो मेरे को कॉम्पेंसेशन चाहिए, 5,000 रुपये चाहिए, उसने जाकर कोर्ट में बोल दिया
कि मुझे इस बिजनेसमैन से 5,000 रुपये लेने हैं, मेरा जो केस है आप दर्ज कर लो। तो कोर्ट क्या बोलती है, कोर्ट बोलती है रुको, तो ये केस कहाँ पेंडिंग है अभी, कोर्ट में, तो दिस केस इज पेंडिंग। तो इट मे हैपन इन फ्यूचर दैट यू विल हैव टू पे दिस 5,000 रुपीज। उसका और एक मतलब क्या बोला, लाइबिलिटी विच मे अराइज इन फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट। मतलब अगर प्रूफ हो गया कोर्ट में कि आपको ये कॉम्पेंसेशन पेएबल है उस वर्कर को, तो आपको ये 5,000 रुपये देने ही पड़ेंगे। और किस पे डिपेंड करता है ये, फ्यूचर, फ्यूचर पे डिपेंड करता है। और ये फिक्स्ड है क्या, कंफर्म है क्या, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये वर्कर को कोर्ट बता दे, ये कोर्ट हमारे फेवर में बोल दे, नहीं नहीं ये वर्कर झूठ बोल रहा है, इसका कोई कॉम्पेंसेशन पेएबल नहीं है, तो आपको ये लाइबिलिटी पेएबल है ही नहीं। तो ये पेएबल एक तो कंफर्म भी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि ना देना पड़े, फ्यूचर में पॉसिबल है देना पड़े। और ह्यूज बड़ी बड़ी लाइबिलिटी, अभी यहाँ पे तो भी 5,000 लिखा है, 5,00,000 लिखा हो तो इज ह्यूज लाइबिलिटी। और हमने देखा था यूटिलिटी किसी किसको है, यूटिलिटी है इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट, इनको यूटिलिटी है। इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, इन्वेस्टर को पता होना चाहिए ना ये 5,000 की लाइबिलिटी है, क्यों पता होनी चाहिए, वाई वुड दैट पर्सन वॉन्ट टू नो आ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कितना है, कितना फ्यूचर में, अरे उसने पैसा दिया है ना, ही हैज गिवन यू मनी, इन्वेस्ट किया है आपकी कंपनी में, ही हैज द राइट टू नो कि आपका फ्यूचर लाइबिलिटी कितना बन सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज नॉट शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसको बैलेंस शीट में नहीं बताएंगे, इसको कहाँ बताएंगे, इट इज शोन बाई वे ऑफ फुट नोट टू द बैलेंस शीट सिंपली एज इंफॉर्मेशन। देखो हमने बैलेंस शीट के नीचे यहाँ पर लिखेंगे, बैलेंस शीट बन गया ना, अब यहाँ पर नोट, यहाँ पर लिखेंगे कॉम्पेंसेशन पेएबल 5,000। फ्यूचर में यह लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, दिस इज नॉट येट फिक्स्ड। तो जो इन्वेस्टर्स रहेंगे ना, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, दे वुड नो चलो ठीक है इनका ना फ्यूचर में इतना लाइबिलिटी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो वो लोग दिमाग लगाएंगे फ्यूचर इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी मच रिलेवेंट फॉर लेंडर्स जो आपको बिजनेस चलाने के लिए पैसा देंगे, उनको जानना जरूरी है आपका फ्यूचर लाइबिलिटी कितना आ सकता है। तो वो इट डज नॉट अफेक्ट द फ्यू, इट डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। मतलब बैलेंस शीट में तो नहीं ही जा रहा है वो अमाउंट, बैलेंस शीट में अभी दिख ही नहीं रहा है, वो सिर्फ फुटनोट में है एज अ इंफॉर्मेशन, सामने वाले को बस इंफॉर्मेशन मिल जाए कि इतना इनका कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है। हाँ तो अभी वो आगे क्या बोलते हैं एग्जाम्पल में, इट सेज इन द एग्जाम्पल कि इट मे बी अ फ्यूचर लाइबिलिटी फॉर अ बिजनेस हैपनिंग ऑन सर्टन इवेंट। कौन सा इवेंट रह सकता है वो, कोर्ट का वर्डिक्ट, कोर्ट क्या बोलेगी, अगर कोर्ट ने बोला पेएबल है तो पेएबल है, कोर्ट के आगे आप नहीं जा सकते, लॉ हैज सेड यू पे में पे करो 5,000 रुपये वर्कर को पे करो, तो पे करो फिर, और फिर वो आपकी डेफिनेट लाइबिलिटी बन जाएगी। फिर उसको आप क्या करोगे, यहाँ से उठाकर यहाँ पुट करो, लाइबिलिटी में पुट करोगे। ओके स्मॉल फेवर, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं ना, कुछ भी नहीं है इसमें, एक बार ये पॉइंट्स को एक बार पढ़ लेना है ना, मनी मेजरमेंट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी, कॉन्वर्जन, गोइंग कंसर्न, रियलाइजेशन, एक्रूअल, ड्यूअल एस्पेक्ट, डिस्क्लोजर, मटीरियलिटी, एक बार बस पढ़ लेना। ओके सो बस ठीक है। और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS डिस्कस किया है, इसको हम क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके बुक में उन्होंने क्या बोला है देखो, यहाँ पे दे हैव सेड दैट स्टूडेंट एक्टिविटीज विजिट ICAI.org वेबसाइट टू रेफर द रिसोर्सेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडेक्स, राइट। तो डिटेल में पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा, बिकॉज यहाँ पर दो दो लाइनर ही दिए हुए हैं, देखो दो दो लाइन में इसको ख़त्म किया है AS को। तो आई बिलीव दैट इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इट्स मोर बेटर। तो With this concept of contingent liability, I complete upon your first chapter, which is bookkeeping and accountancy. So that's it from my side, guys, for today. If you like my teaching style, then please share this video to as many students as you can. Also, comment down me if you're understanding my concepts, okay? Or if I can improve on something. So you have to comment this down. Secondly, subscribe to my channel because I'll be putting more lectures of 11th standard, 12th standards, CA Foundation, CA Inter,
ओके सो आई विल बी पुटिंग ऑल दिस लेक्चर सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू वॉन्ट टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच वीडियोज सो थैंक यू सो मच गाइज ऑल द वेरी बेस्ट इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन थैंक यू